यहाँ से हम इसके थ्रू एक करंट इसमें ट्रांसमिशन हुई, ये इसका सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा रिसीवर, जो इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है ये इसे कैच करता है। जहाँ पे इसका पीक होता है वो ये हमेशा इसका अपर जो लूप बनता है इसका पीक पॉइंट को ही ये कैच करता है, हमें वही चेक करना है। इसके थ्रू 8 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन हो गई है, तो सेम फ्रीक्वेंसी हम रिसीवर पर रखते हैं अपनी। ये हमने ऑन किया, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम वर्क करते हैं। 65 फ्रीक्वेंसी 65 किलोहर्ट्ज़ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, CPS है, ये 512 हर्ट्ज़ है। तो हमने 8 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली है। जैसे हम 8 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा डायरेक्शन बताते हैं। इसमें डायरेक्शनल, इसमें थ्री मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होती हैं, डायरेक्शनल, इंडक्शन पे, इंडक्शन, अलग अलग थ्री मेथड्स है। तो हम डायरेक्शनल मेथड में जाते हैं। जैसे हम इसे इधर की ओर आते हैं तो अगर वायर इधर की ओर है तो ये हमें एरो सिंबल दिखाता है कि राइट आने के लिए। जैसे ही हम इसे पीक जाते हैं तो ये सिंबल दिखा रहा है इधर आने के लिए। हम जैसे ही वायर के ऊपर आते हैं तो दोनों सिंबल्स आते हैं और ये एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लाइन आती है। जो इसके लेफ्ट साइड में जो आइकन आ रहा है ये डेप्थ बता रहा है, इसके नीचे पीक से डाउन पीक से वायर तक का डेप्थ बताता है, जो कि अभी 1 फुट 2 इंच है। ये यहाँ पर डिस्प्ले पे शो कर रहा है 1 फुट 2 इंच। ओके, जैसे हम इसे ऊपर ले जाते हैं, वायरिंग करते हैं, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अभी ये जो नीचे टॉक पॉइंट से ग्राउंड तक का जो केबल की डेप्थ है वो अप्रॉक्स 1 फीट 11 इंच है। मतलब कि कहने का मतलब ये केबल से लेके और इसकी लेवल का जो लेंथ होगा उसे हम डिफाइन करेंगे कितने ग्राउंड में, कितने अंडरग्राउंड में केबल है। तो उसे आप 1 फुट 2 फीट आ चुकी है। मतलब जैसे हम इसे वेरी करेंगे तो ये डायरेक्शन बताएगा कि राइट आना है आपको या लेफ्ट आना है। ओके, इसमें सेकंड मेथड होता है आपका, हमें आगे का रूट चेक करना है अपना। जैसे हम वायर से दूर हटते हैं तो हमारी जो एक गेन पॉइंट होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है, ये हट जाती है। जैसे हम वायर के ऊपर आएंगे तो स्ट्रेंथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें गेन एडजस्टमेंट होता है, सिग्नल का एडजस्टमेंट, और लाइव ये डेप्थ बताती जाती है। ये देखिए, अगर इसके पीक पॉइंट पर आएगा तो ये डेप्थ बताएगा। ओके, अब सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अगर एक फ्रीक्वेंसी का वर्क नहीं करती तो आप सेकेंड अनदर फ्रीक्वेंसीज में यूज़ कर सकते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इस पर यूज़ होती हैं। ओके, ये हमारी केबल बिछी हुई है, जस्ट आप अपना टेस्टिंग प्रोसेस के लिए कि किस तरह से केबल को फाइंड आउट करते हैं। ये करीब 10 मीटर से भी ज़्यादा इसकी लेंथ है, अप्रॉक्स 15 मीटर है। तो जस्ट आवर एक्सपेरिमेंटल के लिए और टेस्टिंग के लिए ये चीज़ सेटअप किया गया है, ताकि कोई भी यूनिट को रिपेयर करते हैं तो उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, अगर 8 किलो हर्ट्ज़ पे नहीं करते तो हम 33 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया है, तो उसका मेजरमेंट हमें रिसीवर में भी सेम फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, 33 किलो हर्ट्ज़। अब हम इसमें चेक करते हैं इसको, वही चीज़ इसमें हम चेक करेंगे, 1 फुट 2 इंच। तो अभी केबल है हमारे नीचे इसके टिक पॉइंट से, अगर हम ऊपर जाते तो ये बढ़ती जाएगी, अभी 2 फीट आ गई है, 2 फीट 2 इंच, 2 फीट 4 इंच। अगर ये अप्रॉक्स अपने से नीचे 5 फुट या 6 फुट 8 फुट तक का ये मेजरमेंट कर सकती है आराम से, 8 या 9 फुट तक का आराम से इसकी मेजरमेंट हो जाती है अंडरग्राउंड केबल की। उस केस में आपको इसका गेन, कैप्चरिंग गेन बढ़ाना पड़ता है। कहने का मतलब ग्राउंड लेवल से अप टू 2 और 3 मीटर तक आप उसको फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक्स अप।